लिनोवो कंपनी का नाम आपने उसके अच्छे प्रोडक्ट्स की वजह से सुना ही होगा, लेकिन क्या आप लिनोवो कंपनी के सीईओ यांग युआंग किंग के बारे में जानते हैं? दोस्तों, सीईओ यांग एक बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, जिसका सबूत उन्होंने साल 2012 में अपने बोनस को लोअर लेवल के एम्प्लॉयज के बीच बांट कर साबित कर दिया था। साल 2012 में यांग को 25 करोड़ का बोनस मिला था, जिसे उन्होंने अपनी ही कंपनी के सभी लोअर लेवल के एम्प्लॉयज के बीच बांट दिया था, जिससे सभी एम्प्लॉयज को लगभग 25,000 रुपए मिले थे। पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया करता था और फिर कलर टीवी का इन्वेंशन हुआ, जिसके बाद लोगों का टीवी देखने का एक्सपीरियंस बिल्कुल ही बदल गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, कलर टीवी के इन्वेंशन से एक और चीज में बहुत बड़ा बदलाव आया है। दरअसल दोस्तों, एक स्टडी से पता चला है कि जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, तब 100% लोगों को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही सपने आते थे, लेकिन कलर टीवी आने के बाद लोगों को सपने भी कलरफुल दिखने लगे। आज के जमाने में सिर्फ 9% लोगों को ही कभी कभी ब्लैक एंड व्हाइट सपने आते हैं। फ्रूट्स तो हमेशा से ही हेल्दी रहने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, एक फ्रूट ऐसा भी है जो आपके लिए कभी जहर भी बन सकता है। दरअसल दोस्तों, अगर आप दवाई खाने के बाद अंगूर खा लेते हैं, तो ऐसा करना बहुत ही खतरनाक और नुकसानदायक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आपका लिवर दवाइयों को ब्रेक डाउन करता है, तो ग्रेप्स के मिनरल्स दवाई से मिक्स होने के बाद साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली बॉडी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। इंसानों के बारे में आपने सुना होगा कि वो लेफ्ट हैंडेड या राइट हैंडेड हैं, लेकिन क्या आप किसी ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जिसकी पूरी प्रजाति ही लेफ्ट हैंडेड होती है? दोस्तों, पोलर बेयर इकलौता ऐसा जानवर है जिसकी पूरी प्रजाति ही लेफ्ट हैंडेड होती है। पोलर बेयर हर काम को करने के लिए अपने लेफ्ट हैंड को ही प्रेफर करते हैं, और तो और आज तक ऐसा एक भी पोलर बेयर नहीं देखा गया है जो राइट हैंडेड हो। आज के मॉडर्न जमाने में हर एक छोटी सी चीज का भी एडवर्टीजमेंट टीवी पर देखने को मिल जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार का एडवर्टीजमेंट टीवी पर क्यों नहीं आता है? दरअसल दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स कार को मैन्युफैक्चर करने वाली कंपनीज का मानना है कि जो भी लोग टीवी देखने में अपने वक्त को बर्बाद करते हैं, वो स्पोर्ट्स कार्स कभी नहीं खरीद सकते, इसीलिए टीवी पर एड देना उनके लिए एक बेकार की चीज है। लोगों के शरीर पर बहुत सी जगहों पर तिल होते हैं, कुछ तिल वक्त के साथ उभरने लगते हैं, तो कुछ तिल जन्म से ही लोगों के शरीर पर होते हैं। लोग शरीर पर बने इन तिलों के बहुत से मतलब निकालते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, 1880 में लोगों को तिल का इतना क्रेज हो गया था कि लोग लेदर के बने नकली तिल लगाया करते थे। उस वक्त लोगों को तिल वाले लोग ज्यादा खूबसूरत लगते थे, इसीलिए लोग सुंदर और कूल दिखने के लिए नकली तिल लगाते थे। इंसान की जिंदगी में दोस्ती की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। लोग अपनी दोस्ती के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, काउ यानी गाय भी अपनी दोस्ती को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। काउस के बेस्ट फ्रेंड्स भी होते हैं। अगर गाय को उनके दोस्तों से अलग कर दिया जाता है, तो वो अक्सर डिप्रेशन में भी चली जाती है, जिसके बाद उनकी मिल्क प्रोडक्टिविटी भी कम होने लगती है। और तो और, हर इलाके की गाय की बोली भी अलग होती है, जो अपनी आवाज अलग अलग तरह से निकालती है। ऑस्ट्रिच सभी बर्ड्स में से सबसे बड़ा बर्ड माना जाता है, यही वजह है कि उसका अंडा भी बाकी के बर्ड्स के अंडों से बड़ा होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रिच के अंडे से बनाया गया ऑमलेट मुर्गी के 15 अंडों के ऑमलेट के बराबर होता है। ऑस्ट्रिच का अंडा इस दुनिया का सबसे बड़ा अंडा माना जाता है, बल्कि ऑस्ट्रिच का अंडा बाकी बर्ड्स के अंडे से ज्यादा मजबूत भी होता है, जिसको तोड़ने के लिए ड्रिल करना पड़ता है। आपने अक्सर पैक्ड पानी की बोतल पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पानी कैसे एक्सपायर हो सकता है? दरअसल दोस्तों, पानी की बोतल पर लिखी हुई एक्सपायरी डेट असल में उस बोतल के प्लास्टिक की एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि प्लास्टिक अपने आप में एक डेंजरस एलिमेंट है, जिसके अंदर ज्यादा वक्त तक पानी रहने से पानी में प्लास्टिक के एलिमेंट्स मिक्स हो सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली पीने वाले को नुकसान होगा, इसीलिए बॉटल पर एक्सपायरी डेट लिखी जाती है। बल्कि कंज्यूमर लॉ के मुताबिक भी हर प्रोडक्ट पर एक्सपायरी डेट लिखना मैंडेटरी है। फैक्ट नंबर 1, एक एडल्ट इंसान के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं, एक कैट यानी बिल्ली के शरीर में इंसान से भी ज्यादा बोन्स होती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बिल्ली के शरीर में 230 हड्डियां होती हैं, बल्कि बिल्लियों की फ्लेक्सिबल सी दिखने वाली पूंछ में भी 20 से लेकर 21 हड्डियां होती हैं। तो दोस्तों, अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो, ताकि हमारी फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। सो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।